टुडे आवर टॉपिक इज द यूजेस ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। द फर्स्ट अल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम रिफाइनिंग कि पेट्रोल की रिफाइनिंग में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास पेट्रोल आता है वो किस फॉर्म में होता है? वो क्रूड फॉर्म में होता है, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। द नेक्स्ट यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेकिंग रायोन। रायोन इज लाइक द फैब्रिक। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फैब्रिक लाइक रायोन। द नेक्स्ट यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन। पेपर पल्प मीन द पेपर विच इज यूज टू फॉर्म फाइन पेपर। पेपर पल्प जो है वो रॉ पेपर मटेरियल होता है जो फाइन पेपर की कंस्ट्रक्शन के लिए या मेकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड द अदर वन इज मेडिसिन। ड्रग्स वगैरह की फॉर्मेशन में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट अल्कली इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम। द फर्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं? हम अपने डेली लाइफ में ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं टू टू चेंज द कलर ऑफ आवर क्लॉथ। लाइक जो व्हाइट क्लॉथ होते हैं उनका जो पेल कलर है उसको पेंट उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पेल फैब्रिक को वाइटिश में कन्वर्ट कर देता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न। कि जो भी हमारी स्किन जहां से भी जल जाती है वहां पर ड्रेसिंग करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ ड्रेसिंग मटेरियल। द नेक्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मे इज यूज एज फंजीसाइड्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है फंजीसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। फंजीसाइड्स क्या होते हैं? जो फंगस को किल करते हैं। ऐसे केमिकल्स जो फंगस को किल करते हैं उन्हें हम फंजीसाइड्स कहते हैं। तो लाइम सल्फर स्प्रे को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फंजीसाइड्स को किल करने के लिए। और फंजीसाइड जो है उसमें हम कौन सा लाइम अल्कली यूज कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं। द नेक्स्ट यूज इज द वॉटर सॉफ्टनर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ वॉटर सॉफ्टनर। इट कन्वर्ट हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है वो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। हार्ड वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। हार्ड वाटर में जो अमाउंट है सॉल्ट की वो बहुत ज्यादा होती है। द नेक्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। कि ये सॉइल जो एसिडिक सॉइल होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि जो सॉइल है वो एसिडिक है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्कलाइन इन नेचर है। तो जब वो दोनों एक अल्कली और एक एसिडिक चीज जो है वो मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं। तो वो कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल को सॉल्ट और वाटर में। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है उसकी जो एसिडिटी है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। द नेक्स्ट अल्कली इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फर्स्ट यूज है वो क्या है? टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन।
ये ग्रीस को रिमूव करता है, ऑयल को रिमूव करता है, तो हम इसको अपने ग्लास वगैरह को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज दी रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ। हमारे फैब्रिक के ऊपर अगर कोई इंक स्पॉट गिर जाता है तो हम उसको रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बहुत से केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होता है। रिएजेंट मीन कि वो रिएक्शन को करवाने में या रिएक्शन को करने में हेल्प आउट करता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, कि जो शहद की मक्खी जब काट लेती है उसका जो स्टिंग है, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं।